नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला खनन न्यास निधि के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा कराए जाए कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को पूर्व में पूर्ण किए गए समस्त कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र, कृत कार्यों का फोटोग्राफ्स उपलब्ध व बेहतर कार्यों के डॉक्यूमेंटेशन कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जो कार्य गतिमान है उनकी भौतिक प्रगति बढ़ाने व जिन कार्यों की मंजूरी मिल चुकी है यदि उन कार्यों की DPR या प्रस्ताव शेष है उनकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूर्ण किए गए कार्यों के संबंध जरूरी विवरण को दर्शाते हुए कार्यों का सूचना पट लगाएं जिससे लोगों को उन कार्यों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही उन्होंने खनन अधिकारी को निर्देशित किया जिन स्कूलों में शौचालय नहीं है उनकी रिपोर्ट तहसील स्तर से प्राप्त करें जिससे उन विद्यालयों में जल्द शौचालय का निर्माण हो सके। साथ ही उन्होंने खनन अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे ओपन जिम निर्माण से संबंधित व जल संवर्धन से संबंधित कार्यों का प्रस्ताव प्राप्त करने को कहा। उन्होंने मुख्य उद्यान अधिकारी को TCU लैब के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करने व औद्यानिकी एवं बारीकी विद्यालय भरसार के समन्वय से संबंधित कार्यों का अमलीजामा पहनने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को टेलीमेडिसिन दूरस्थ चिकित्सा से संबंधित कार्यों का विवरण देने के निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में जो कार्य किए जाने हैं उसे तेजी से पूर्ण करें। इसके अलावा उन्होंने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को जिला खनन न्यास निधि के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों की वित्तीय भौतिक प्रगति बढ़ाते हुए इस संबंध में कार्यों का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नए कार्य हेतु प्रस्ताव जल्द तैयार करना सुनिश्चित करें। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत। इसको तहसील से क्रॉस वेरीफाई कराइए। दिनेश कुमार जी, इसी को तहसील से क्रॉस वेरीफाई कराइए क्योंकि ये वो विद्यालय थे जहां पर निर्वाचन के दौरान टॉयलेट नहीं पा रहे थे। तो जो हमारा एयर अभी करवाना है, बट ये ध्यान रखिए कि वो विद्यालय पूरे हो जाए। और छोटा मोटा मरम्मत उसमें लिखा गया था, छोटा मोटा मरम्मत माने ऐसे वाले छोटे मोटे कार्य, उस काम के लिए आपको 1 से 1.5 लाख। बड़ा काम नहीं करना है, सिविल वर्क नहीं करना है कि पूरी छत डाल दी RCC वाली, वो काम नहीं होना है। इतना जरूरत है उतना ही करिए। वहां पे हमारी पोलिंग टीम रुका हुआ है, पूरे गांव ने वहां पे आके मतदान किया, मतलब वो भवन ठीक स्थिति में है। हल्का फुल्का मरम्मत हो सकती है, कहीं पे दरवाजा नहीं होगा, कहीं पे टॉयलेट का लाइन पाइपलाइन टूटा होगा, कहीं पे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।